जब उसे अच्छे संबंध के बावजूद आपने नाता तोड़ दिया। देखिए कुमार के काफी करीब माना जाता है। देखिए जनता दल से हम लोग के संबंध अच्छे थे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी से हम लोग का संबंध बेहतर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम लोग को लगा कि हम लोग जो है पिछड़ा समाज को हक और हकूक की जो हम लोग बात करते हैं, जिसके लिए हम लोग राजनीति में हम लोग एंट्री किए थे कि हम लोग अति पिछड़ा समाज को मुख्यधारा से लाकर जोड़ेंगे, वह नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भटका रहे थे। 2010 और 12 में पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया, इसका ढोल अभी तक वो पीट रहे हैं, जबकि पंचायत चुनाव एक लॉलीपॉप है अति पिछड़ों के लिए, और उस लॉलीपॉप से अति पिछड़ा काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का लीडर जो है प्रत्येक जिला से राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद में अपनी सहभागिता निभाए, और खासकर जिस समाज से हम लोग आते हैं नोनिया बिंद मला समाज से आते हैं, और उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत नागण्य है धानु समाज के लोगों का, वहाँ काफ़ी बहुलता है पूरे बिहार में, और हम लोग ये बहुलता को कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है, और कभी क्या कहते हैं आपको टिकट दिया जाएगा, इधर दिया जाएगा तो कभी उधर दिया जाएगा, नीतीश जी कभी उस पार्टी में भागेंगे कभी उस पार्टी में भागेंगे, ये दल बदल के चक्कर में हमारे जैसे नेता और कई हमारे साथ बैठे हुए कमूर और समस्तीपुर तमाम जिलों के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुखिया है कोई प्रत्याशी रह चुके हैं, तो ये लोग भी टिकट से नगवार रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है ताकि हम लोग जनता दल से नाता तोड़ करके, और निश्चित रूप से हम लोग जो नीतीश कुमार ने जो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो ललन बाबू कभी भी संगठनकर्ता नहीं हो सकते हैं, उन्होंने आरसीपी सिंह का हत्या किया और संगठन से बाहर किया उनको, इसलिए हम लोगों ने खीन होकर के जनता दल छोड़ दिया है। आरसीपी सिंह के साथ भी आप भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वहाँ से भी सर अलग हो गए, बीजेपी से भी अलग हो गए, सम्राट चौधरी को आपने पत्र लिखकर जो दे दिया सर, क्या ऐसा कारण रहा कि जदयू से बीजेपी और प्रशांत किशोर के साथ में? देखिए हमने जो पत्र लिखा है उस पत्र में मैंने साफ लिख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमको ज्वाइन किए 5-6 महीना हुआ था, हमारे जैसे नेता अगर हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग किसी के भरोसे काम नहीं करते, हम लोग समाज के भरोसे अपने दम पे भरोसे पर नेतागिरी करते हैं, और हमारे समाज को हक नहीं मिलेगा और हमारे से नेता को एक प्रदेश स्तर का कोई पदाधिकारी फ़ोन तक नहीं करता है 5 महीने के अंदर में कि साहब यहाँ जो है कोई कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ कोई मीटिंग भी है, तो हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। तो हम लोगों ने रामचंद्र बाबू से बिना कहे मैंने फैसला लिया कि जब हमारे इस नेता की तोहमी की जाएगी तो मैं जो समाज का जो कुनबा लेकर मैं चलाऊँगी अति पिछड़ा समाज के लिए मैं लड़ूंगा मरूंगा और जीऊँगा, तो वो मेरा पूरा नहीं होता। उस लक्ष्य को मैंने सजाने के लिए, उस लक्ष्य को मैंने अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने यह त्याग दिया है, और त्याग देकर मैं जन सुराज जो प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है मुहिम है उस मुहिम के साथ, चूँकि प्रशांत किशोर जी अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 75 टिकट अति पिछड़ा को पूरे बिहार में संतोष जी हमको देना है और लड़ाना है, और उस कैंडिडेट का चयन हम लोग हम सजता भी हैं और प्रशांत किशोर जी हैं और मैं रहूँगा, और हम लोग तय करें 75 टिकट पूरे बिहार में मैं किसको लड़ाऊँ हम लोग लड़ाएंगे, ये हमारा वादा है, और मैं उसी मुहिम के साथ कि मैं पूरे बिहार के और 300 जिला में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने अति पिछड़ा समाज से जो जुड़े हुए नेता हैं जो उपेक्षित हुए हैं इसकी राजनीतिक से वो हमारे साथ जुड़े इस जन सुराज की मुहिम से। और संतोष जी जन सुराज अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनी, पहला। दूसरा चीज़, प्रशांत किशोर जी अपनी हर सभाओं में जब वो पदयात्रा पे निकलते हैं तो ये कहते हैं कि जन सुराज को अभी राजनीतिक पार्टी बनाने का हमारा कोई मकसद नहीं है, समाज के बीच से हम ऐसे लोगों को चुन कर लाएंगे जिसको समाज कहे कि हाँ ये हमारे नेता बनने लायक हैं, जैसा कि गोपालगंज में MLC वाले में मामले में हुआ। क्या आप इसको वक्त की राजनीति के जैसा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी जदयू में रहे कभी आप भाजपा में आए, और भाजपा से जैसे ही जाति जनगणना का जो विश्लेषण है पूरी रिपोर्ट है सामने आई तो आपने ये देखा कि बड़ा एक अच्छा मौका है, जनसुराज उभरता हुआ एक मंच है और आप उसको ज्वाइन करने की आपने कोशिश करके अपने समय को भुनाना चाहते हैं? देखिए जनसुराज जो है एक मुहिम है, ये पार्टी नहीं है, लेकिन आने दिन बाद में निश्चित रूप से पार्टी होगी, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। आपने कैसे भी कह दिया कि हम टिकट बांटेंगे, टिकट हम लोग जैसे पार्टी जन सुराज ने अफाक अमर जी को लाया था, मैं बताता हूँ एक सेकंड भैया, जन सुराज ने एक अभियान है और उस अभियान के तहत अफाक अमर जी को लड़ाया था, ये पता निर्दलीय लड़े थे, वैसा ही हम लोग निर्दलीय लड़ाएंगे, हम लोग समर्थन देंगे उनको जब तक हमारी पार्टी नहीं खड़ा होती है, और समर्थन देकर हमारे जितने वर्कर हैं बिहार के वो लगेंगे और लग करके चुनाव जिताएंगे। जहाँ तक राजनीतिक पार्टी महत्वाकांक्षा पलटने की बात कर रहे हैं आप, जो पलटने की बात वो बात आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, आज के मौजूदा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी के दामन थामते हैं कुर्सी बचाने के लिए और कभी जाके RJD के दामन पकड़ते हैं, और फिर कभी RJD में जाते हैं फिर कभी BJP में जाते हैं, ये जाकर उनसे सवाल आप कीजिए। हम लोग तो अभी तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो अभी नेता के हम लोग विधान परिषद भी नहीं है, हम लोग MLA MP नहीं है कि हम लोग बदल रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो पीछा मेरी होगी तो मैं कहीं भी जाने में स्वतंत्र हूँ, मुझे मैं किसी गुलाम नहीं हूँ, कार्यकर्ता कभी किसी गुलाम नहीं होता, किसी गुलाम नहीं होता। जिंदाबाद।